डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। इस वीडियो में कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूँ, डिक्लेरेशन से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। मतलब होता क्या है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपके इंटरव्यूज में ना, आपको इस तरीके से कुछ डिक्लेरेशन दे देते हैं। मतलब जैसे पॉइंटर्स को जब हम फंक्शंस के साथ यूज करते हैं या एरे के साथ यूज करते हैं, तो आपको कुछ कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन इस तरीके से दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि भैया इसका मतलब क्या है। तो इस वीडियो में आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेके आया हूँ। अगर आपने ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ ली, तो आप कोई भी एग्जाम्पल, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिए तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको साथ साथ डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा कि कैसे हम इन चीजों को थोड़ा विजुलाइज कर सकते हैं, तब आपको आसान रहेगा याद करना। जैसे देखो, सबसे पहली टर्म क्या है, इंट ए फाइव। तो यहां पे हम हमेशा स्टार्ट करते हैं, यहां पे जो मेरे को इस तरीके से वैल्यू दी होती है, जैसे ए यहां पे दिया हुआ है, तो ए जो है वो क्या है, एरे ऑफ फाइव इंटीजर। ठीक है, मतलब ए जो है वो पांच इंटीजर्स का एक एरे आप बोल सकते हो। मतलब इसको विजुलाइज करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि एक एरे है जिसके अंदर पांच इंटीजर्स है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पांच इंटीजर्स का एक एरे हो गया और उसका नाम क्या दे दिया, ए। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या दिया है, इंट स्टार पी फाइव। अब यहां पे ध्यान क्या देना, यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दो यहां पे ऑपरेटर है, एक स्टार और एक पैरेंथेसिस। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर है स्टार और एक पैरेंथेसिस, दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, दोनों में से प्रायोरिटी ज्यादा है आपकी पैरेंथेसिस की। तो इसीलिए आपको पहले इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। मतलब पी से स्टार्ट करोगे तो पी क्या है, पी पहले आपको राइट साइड पे इवैल्यूएट करना पड़ेगा। मतलब पी इज एन एरे ऑफ फाइव, पी इज एन एरे ऑफ फाइव, आप इसको ये बोलोगे, पी इज एन एरे ऑफ फाइव, क्योंकि आपको पहले राइट साइड को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो आप ये बोलो, पी इज एन एरे ऑफ फाइव। ठीक है, अब फाइव का एरे तो है, वो है क्या, वो उसके अंदर होगा क्या, उसके अंदर क्या होगा, पॉइंटर्स होंगे जो पॉइंट कर रहे हैं इंटीजर्स को। तो आप इसको क्या बोलो, P is an array of five इंटीजर की बजाय आप इसको ये बोलो, P is an array of five elements। ठीक है, P is an array of five elements, और वो एलिमेंट्स होंगे क्या, वो एलिमेंट्स होंगे पॉइंटर्स, सारे के सारे क्या होंगे, पॉइंटर्स होंगे जो इंटीजर्स को पॉइंट कर रहे हैं। डायग्राम में आप ये ले सकते हो, जैसे ये एक एरे हमने लिया हुआ है पांच इंटीजर्स का, तो यहां पे मैंने क्या ले लिया, एक पी ले लिया और पी के अंदर मैंने पांच पॉइंटर्स बना दिए, पांच क्या बना दिए, पॉइंटर्स बना दिए, और ये पॉइंट कर रहे हैं किसी एरे को जिसके अंदर इंटीजर्स हैं। जैसे आप ये ले सकते हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये आपने इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हो। तो ये पी क्या है, एक एक एरे है जिसके अंदर पांच पॉइंटर्स हैं जो पॉइंट कर रहे हैं इंटीजर्स को। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको विजुलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट, इंट पी, और यहां पे मैंने एक पैरेंथेसिस दे दी और फिर यहां पे 10 लिख दिया, 10 लिख दो, 5 लिख दो, बात एक ही है। बट यहां पे ध्यान क्या देना पड़ेगा, ध्यान आपको ये देना पड़ेगा कि यहां पे अब ये जो स्टार था ये भी पैरेंथेसिस के अंदर आ गया, ये जो स्टार था ये भी पैरेंथेसिस के अंदर आ गया, मतलब दोनों चीजें पैरेंथेसिस है। तो पैरेंथेसिस में प्रायोरिटी ऑब्वियसली दोनों की बराबर ही है, तो दोनों की अगर पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी बराबर है तो फिर इवैल्यूएट कैसे करेंगे। तो इसमें हम एसोसिएटिविटी यूज करते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब है कि पहले आप लेफ्ट वाला, मतलब ये वाली जो है इसको पहले इवैल्यूएट करो, पहले इसको इवैल्यूएट करोगे तो आप क्या बोलोगे, पी इज अ पॉइंटर। ऊपर क्या था, पी इज एन एरे, यहां पर क्या बन गया, पी इज अ पॉइंटर, पी इज अ पॉइंटर टू एन एरे, पी इज अ पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 10 एलिमेंट्स या 10 इंटीजर्स आप बोल सकते हो। अब इसमें फर्क क्या हो गया, इसमें फर्क ये हो गया कि P जो है इकलौता एक पॉइंटर है, P जो है इकलौता एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है एक एरे जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं। आप इसको इस तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हो। पहले वाले में क्या था, वो खुद एक एरे ऑफ पॉइंटर्स था, अब ये इकलौता एक सिंगल पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है 10 एलिमेंट्स के एक एरे को, ये आप इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हो। देन हमारे पास आ गया कैर स्टार स्टार ए। अब स्टार स्टार ए का मतलब क्या है, ए इज अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर टू अ कैरेक्टर। मतलब कहने का कि लेट से अगर मैं ए की बात करूं तो ए क्या है, एक पॉइंटर है जो
पॉइंट कर रहा है एक फर्दर एक पॉइंटर को, और वो पॉइंट किसको कर रहा है, वो पॉइंट कर रहा है आपका किसी कैरेक्टर वैल्यू को, किसी कैरेक्टर वैल्यू को। तो इस तरीके से आपका जो है इनडायरेक्ट, आपकी एक तरह से इनडायरेक्ट जो है वो एड्रेसिंग होगी। तो इनडायरेक्ट वे से हम किसी कैरेक्टर को पॉइंट कर रहे हैं। देन हमारे पास आ गया कैरेक्टर स्टार सी इस तरीके से। तो यहां पे आपके पास स्टार इज व्हाट, यूनरी ऑपरेटर, और ये क्या है आपका फंक्शन। तो फंक्शन जो है ऑब्वियसली इसकी प्रायोरिटी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टार। तो आप क्या बोलोगे, सी इज अ फंक्शन, सी इज अ फंक्शन, पहले इसको इसके साथ रिलेट करो। सो सी इज अ फंक्शन विच रिटर्न्स अ पॉइंटर टू अ कैरेक्टर। सी क्या है, अपने आप में एक फंक्शन है। मतलब आप इसको इस तरीके से बना सकते हो कि सी जो है वो अपने आप में क्या है, एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है, सी इज अ फंक्शन विच रिटर्न्स अ पॉइंटर, मतलब वो क्या रिटर्न कर रहा है, एक पॉइंटर रिटर्न कर रहा है टू अ कैरेक्टर, मतलब वो पॉइंटर जो है वो आगे किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इस तरीके से इसको विजुलाइज कर सकते हो। देन वही जी मैंने अब जो है वो इसको पैरेंथेसिस में लिख दिया ताकि आपको प्रायोरिटी एसोसिएटिविटी का पता लग सके। अब देखो यहां पे दोनों की प्रायोरिटी क्या होगी, बराबर, दोनों की बराबर होगी। तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट का मतलब पहले अंदर वाला करो। तो सी इज व्हाट, सी इज अ पॉइंटर। अब सी क्या हो गया, एक पॉइंटर टू अ फंक्शन, पॉइंटर टू अ फंक्शन विच रिटर्न्स अ कैरेक्टर। अब आप क्या बोल सकते हो कि सी अपने आप में क्या है, एक पॉइंटर है। सी अपने आप में क्या है, एक पॉइंटर है टू अ फंक्शन, मतलब ये किसको पॉइंट कर रहा है, एक किसी फंक्शन को, किसी भी फंक्शन, लेट से एफ को पॉइंट कर रहा है, विच रिटर्न्स अ कैरेक्टर, जो क्या रिटर्न करता है, एक कैरेक्टर वैल्यू को रिटर्न करता है। आप इसको इस तरीके से विजुलाइज करोगे तो आपको आसान हो जाएगा समझना। देन थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स आ गया, यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे देखो ये आपको पेरेंथिस को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले इनर मोस्ट वाली, ये जो इनर मोस्ट है उसको सबसे पहले सॉल्व करना है। इनर मोस्ट कौन सी है आपकी, ये वाली, ये वाली इनर मोस्ट को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो इनर मोस्ट को सबसे पहले सॉल्व करोगे तो यानी सी। अब सी के देखो वही हो गया ना, एक तरफ स्टार है और एक तरफ क्या है, फंक्शन। तो ऑब्वियसली आप फंक्शन को पहले सॉल्व करोगे। सो सी इज अ फंक्शन, सी इज अ फंक्शन विच रिटर्न्स अ पॉइंटर, विच रिटर्न्स अ पॉइंटर टू एन एरे, टू एन एरे ऑफ अ पॉइंटर, ऑफ अ पॉइंटर टू अ फंक्शन, फंक्शन बाहर वाला हो गया, और फाइनली विच रिटर्न्स अ कैरेक्टर। मतलब इसको थोड़ा सा रिवर्स करके दोबारा सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं, यहां पे आप इस तरीके से इसको विजुलाइज कर सकते हो। मतलब एसोसिएटिविटी का ध्यान रखना है, थोड़ा सा प्रायोरिटी का भी ध्यान रखना है। सो सी इज व्हाट, सी इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ फंक्शन विच रिटर्न्स अ पॉइंटर। तो ये वाला अंदर वाला सॉल्व हो गया, विच रिटर्न्स अ पॉइंटर। अब ये जो पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, ये किसको रिटर्न कर रहा है, टू अ एरे, ये एरे हो गया, एरे ऑफ पॉइंटर्स, ऑफ पॉइंटर्स टू अ फंक्शन, फाइनली बाहर एक फंक्शन है, टू अ कैरेक्टर विच रिटर्न्स अ कैरेक्टर। ठीक है, तो फंक्शन रिटर्न करता है, तो फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, फाइनली कैरेक्टर। इसको थोड़ा सा विजुलाइज करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। लेट से सी जो है वो क्या है, एक फंक्शन। तो सी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक फंक्शन है, ठीक है, विच रिटर्न्स अ पॉइंटर, मतलब वो क्या रिटर्न कर रहा है, एक पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, विच रिटर्न्स अ पॉइंटर टू एन एरे ऑफ पॉइंटर, मतलब ये आगे किसको पॉइंट कर रहा है, एक एरे है पॉइंटर्स का। एरे जो है वो डेटा का नहीं है, वो एरे किसका है, पॉइंटर्स का है, मतलब उसके अंदर भी क्या है, एक पॉइंटर्स है, उसके अंदर भी इस तरीके से पॉइंटर्स है, ठीक है, उसके अंदर भी इस तरीके से पॉइंटर्स है। टू अ फंक्शन विच रिटर्न्स कैरेक्टर, मतलब ये हर एक पॉइंटर आगे फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब फंक्शंस को पॉइंट कर रहा है, और वो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहे हैं, कैरेक्टर रिटर्न कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर दोबारा से फिर सुनने की कोशिश करोगे, रिवर्स करके दोबारा फिर सुनना, आपको क्लियर हो जाएगा। और डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाई दिया, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। देन फाइनली हमारे पास आ जाता है जी, इसमें थोड़ा सा और चेंज कर दिया। इसमें हमने क्या किया कि सी, और सबसे पहले हमने एरे अंदर ले लिया, मतलब सी इज व्हाट, एन एरे ऑफ फाइव। सी जो है वो एरे ऑफ फाइव एलिमेंट्स है, सिंपल, सी इज एन एरे ऑफ फाइव एलिमेंट्स विच आर पॉइंटर्स, मतलब वो क्या है, पॉइंटर्स है टू अ फंक्शन, टू अ फंक्शन विच रिटर्न्स अ पॉइंटर टू एन एरे ऑफ सिक्स, टू एन एरे ऑफ सिक्स। यहां पे फाइव लिख दिया, फाइव की बजाय यहां पे सिक्स कर दो, टू एन एरे ऑफ सिक्स कैरेक्टर्स, टू एन एरे ऑफ सिक्स कैरेक्टर। वैल्यू में कुछ नहीं है, फाइव सिक्स जो मर्जी दिया हो आप इस तरीके से कर सकते हो। थोड़ा सा इसको विजुलाइज करें तो आप कैसे करोगे विजुलाइज, सिंपल है।
बट पहली बार अगर सुनोगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि सर ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन है कुछ भी नहीं. सी इज अ एरे ऑफ फाइव एलिमेंट, मतलब सी क्या है, सबसे पहले फाइव एलिमेंट्स हैं सी के अंदर, ठीक है, पांच एलिमेंट्स हैं, एक दो तीन चार पांच हो गए. विच आर पॉइंटर्स, मतलब वो सारे क्या है, पॉइंटर्स हैं, उसके अंदर डेटा नहीं है, वो सारे क्या है, पॉइंटर्स हैं. पॉइंटर्स टू अ फंक्शन विच रिटर्न्स पॉइंटर, मतलब ये क्या है, पॉइंटर्स टू अ फंक्शन, जैसे कोई फंक्शन है f1, f2, f3, इस तरीके से मल्टीपल फंक्शंस हैं, उनको पॉइंट कर रहा है, और वो रिटर्न क्या कर रहे हैं आगे, पॉइंटर्स टू एन एरे. हर एक फंक्शन अपने आप में सिक्स कैरेक्टर्स के एरे को पॉइंट कर रहा है, मतलब f1 सिक्स कैरेक्टर्स के एरे को, f2 सिक्स कैरेक्टर्स के एरे को, f3 सिक्स कैरेक्टर्स के एरे को, f4 सिक्स कैरेक्टर्स के एरे को, मतलब हर एक पॉइंटर जो है वो आगे एक फंक्शन को, और वो फंक्शन आगे हर एक फंक्शन जो है पॉइंटर्स ऑफ सिक्स कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है, मतलब एरे ऑफ सिक्स कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है. तो इस तरीके से आप इसको विजुलाइज करोगे तो डायग्राम से आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी. तो ये इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो अगर आप डायग्राम से थोड़ा सा बनाने की कोशिश करोगे तब आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी. और इनकेस थोड़ा सा भी आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है इसको, तो दोबारा एक दो बार फिर सुनने की कोशिश करना, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा. थैंक यू.